सीएम योगी मिशन 2022 पर जुट गए हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक सीएम योगी का ताबड़तोड़ दौरा चल रहा है। बुधवार को जहां सीएम योगी ने कानपुर में मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं सीएम योगी ने मेरठ से हुंकार भरी। खेल की धार से सीएम योगी ने सियासत की नई बिसात बिछाई। मेरठ में बन रही यूनिवर्सिटी को हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद का कलेवर दे दिया, तो वहीं सूबे के 75 जिलों में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी सीएम के साथ मंच पर पहुंचे नजर आए, जहां से सीएम योगी ने खेलेगा उत्तर प्रदेश का नारा भी गढ़ा। पूर्वांचल के बाद पश्चिमी यूपी में योगी हुंकार भर रहे हैं। पूर्वांचल योगी का गढ़ कहा जाता है। सीएम योगी की अगुवाई में पूर्वांचल विकास की नई इबारत लिख रहा है, तो पश्चिमी यूपी में योगी खेल के जरिए सियासत की नई धार तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस दौरान सीएम ने उनके लिए तोहफों की झड़ी लगा दी। योगी ने ऐलान किया कि मेरठ में बन रही यूनिवर्सिटी का नाम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। क्रांति की इस धारा पर आप सबको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई। जनप्रतिनिधियों को इसके लिए किए जाने वाले प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद। और इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले नोएडा के डीएम सुहास एलवाई की सीएम योगी ने तारीफ की, साथ ही कोरोना काल के दौरान सुहास एलवाई के कामों की सराहना भी की। सम्मान समारोह के साथ ही सीएम योगी ने जनसभा कर वेस्ट यूपी में चुनावी समीकरण को भी साधा। समारोह में सूबे के 75 जिलों से 2078 दिव्यांग खिलाड़ियों को बुलाया गया था। मंच से सीएम योगी ने दावा किया कि बीजेपी सरकार में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि भारत के पैरालंपिक दल में 8 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से थे। पैरालंपिक गेम्स में अन्य देश के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आज जो राशि यहां पर निर्धारित की जा रही है, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप यहां पर प्रदान की जा रही है। मेरठ खेल और खिलौने का बड़ा बाजार है, जो अपनी खेल उत्पादों की गुणवत्ता के लिए भी मशहूर है। मेरठ में बने स्पोर्ट्स सामानों की देश ही नहीं विदेशों में भी बड़ी मांग है, और योगी सरकार मेरठ को खेल और खिलौनों की दुनिया में बड़ी पहचान दिलाने पर जोर दे रही है, जिस पर काम भी तेजी से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।